माय नेम इज हर्ष गुजराल और मैं कानपुर से हूँ। अरे मैं कानपुर से दिल्ली मूव हुआ ना, यहाँ काफी चीजें बदली हुई हैं यार। लड़कियां देखो कितनी शराब पी रही हैं, यहाँ पे इतनी शराब पी रही हैं भाई साहब, इनको पता नहीं सुबह बोतलें देके कबाड़ी वाले से रेजगारी इकट्ठी करनी, पता नहीं इनके मर्दों के दोनों किडनियों में स्टोन है क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई साहब। और इन्हीं लड़कियों की मैट्रिमोनियल प्रोफाइल खोल लोगे उसमें लिखा होगा डाउन टू अर्थ। वो तो बाद में पता लगता है ससुराल वालों को, बहन जो जमीन पे बैठ के पैक बना रही हैं। वहीं बना रही हैं, वहीं पी ले रही हैं, वहीं रात को उल्टियां कर रही। अर्थ सुबह तक बोल देता है बहन उठ जा मेरे ऊपर से, 7 उल्टियां कर दी, अर्थ का अनर्थ कर दिया तूने तो। कौन बना रहे हैं इनकी प्रोफाइलें? हाँ मेरे को लगता है इनके पिताजी लोग बना दे रहे हैं आजकल, खुद ही लिख दे रहे माई डॉटर इज गुड इन मैथ्स। पता भी नहीं है जिंदगी में क्या चल रहा है लड़की की, माई डॉटर इज गुड इन मैथ्स। ये लोग इतनी गुड होती है मैथ्स में भाई साहब, स्कूल कॉलेज में कभी मैथ्स के टीचर इनसे कहते हैं ना बेटा जरा लाइन खींच के दिखाओ, ये ऐसे करती टीचर एक और खींच के तो नहीं बेटा समझ गए हम, अच्छा हुआ हमने आपको सर्कल नहीं बोला, आप तो ये तरीका फिगर समझाने का रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में तो पागल ही हो जाओगे यार। भाई साहब ऐसे ऐसे लौंडे हैं, इनकी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल खेलो, नॉन ड्रिंकर नॉन स्मोकर लिखा हुआ है, लड़की वाले देखने आते बहन जी लड़का दिखाई नहीं दे रहा। हाँ वो तो 6 महीने से नशा मुक्ति केंद्र में है। आपने ओकेजनल ड्रिंकर लिखा हुआ है, हाँ तो वही ओकेजनली करता है, यहाँ तो उल्लू का पट्टा रोज पीता था। अजीब अजीब लड़कियों के रिश्ते आ रहे यार मेरे लिए आजकल, अजीब अजीब लड़कियों के कुछ भी बोलती। देखो मैंने बीटेक कर रखी है, एमबीए करनी है मेरे को, है शक्ल मेरी विक्की कौशल जैसी है, मैं बोल देता हूँ खुद ही। देखो मैं मेरा तो साफ सा हिसाब है भाई साहब, आपको नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा मैडम? आपने तो एंजेलिना जोली के साथ ही घर घर खेला ना बचपन में, आपकी दांतों में तार लगी है। नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, किस करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, सामने वाला लहू लुहान होके जा रहा है भाई, जहर है के प्यार है तेरा चुमा। ऐसी ऐसी लड़कियों के फोन आ रहे हैं मेरे को, हेलो करी हेलो, मैंने कहा इतनी गंदी आवाज, मैंने कहा बहन ना मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए ना मेरे को इंश्योरेंस कराना है और पेस्ट कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा तेरे से। कह रही मैंने रिश्ते के लिए फोन किया है, मैंने कहा क्या किया हुआ तुमने? कह रही मैंने सिलाई का कोर्स किया हुआ है। आपने क्या किया हुआ? मैंने कहा मैंने फटी का कोर्स कर रखा है। कह रही वाह, मैंने कहा और क्या शादी कर लेंगे, हम फड़वाते रहेंगे तुम सिलवाती रहना, इसीलिए तो बीटेक करी है मैंने, टेलर लग रहा हूं मैं तेरे को। अजीब अजीब फोन कर रही है, एक लड़की का फोन है हेलो, मैंने कहा क्या करती हो तुम? कह रही मैं इंग्लिश स्कूल में संस्कृत की टीचर हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत ही वाहियात पना कर दिया ना जिंदगी ने तेरे साथ। मैंने कहा 9वीं के बाद तो बच्चे छोड़ते, तूने जिंदगी भर के लिए संस्कृत उठा ली, पढ़ती पढ़ता पटनती रख फोन। आजकल लड़की वालों ने कहर मचा रखा भाई साहब, लॉन्डो के पता क्या कर रहे हैं, मर्दानगी टेस्ट करा रहे हैं। हाँ मेरे पास एक रिश्ते वाले आए, लड़के लड़की का बाप कह रहा है आपका मर्दानगी टेस्ट होगा। मैंने कहा है? मैंने कहा पापा के 4 बच्चे, तुम जेनेटिक देखो ना कितना सही चल रहा हमारा। खैर और मेरे बाप मुझे ले गए कराने के लिए, अंदर से इतना रोते हुए निकले, मैंने कहा बुझ गया गुजराल खानदान का चिराग, जलने से पहले ही बुझ गया भाई साहब ये। मैंने कहा रो क्यों रो? कह रहा बेटा जिंदगी में पहला ऐसा टेस्ट है जिसमें तू पास हुआ। मैंने कहा उसके लिए रो क्यों रो? कह रहा है मर्दानगी के आंसू है। मैंने कहा तो गलत जगह से निकल रहे हैं ना फिर। अरे बाप के साथ ज्यादा फ्रेंडली मत हो समझा ना। और शादी मुझे पता क्यों नहीं करनी, मुझे ना शादी की रस्में पसंद नहीं है। उसमें एक रस्म वो नहीं होती जिसमें सालियां इंतजार कर रही थी जीजाजी का, हैं जीजाजी शराब पी रहे होते कहीं बैठ गए, पूरा झुंड शराब पी रहा होता उनका, और साथ साथ जब से कीर्तन चालू होता है उनके घर पे तब से शराब चल रही होती है ना, 7-8 दिन शराब पी रहा होता है। और सालियां कितनी एक्साइटेड होती है ना, एक साली को पता नहीं क्या होता है इतनी एक्साइटेड होती है, उसको अपने जीजा में अंबानी नजर आ रहा होता है। जीजू अगर राधिका दीदी को लेके जाना है तो 1,00,000 रुपए लगेंगे। जीजा पीछे होता कह रहा भैंसो 1,00,000 रुपए होते तेरी राधिका दीदी को लेने आते हो? ये किराए की शेरवानी है, किस्तों पे लिए किराए की, वो भी तो समझ रही है, जो पुतले ने पहनी होती उसने मना कर दिया, जलील आदमी को देने की जरूरत नहीं है। ये जो पीछे घोड़ी सजी हुई नजर आ रही है ना, इसकी सजावट हटाओगे अंदर से गधा है ये, तेरे 1,00,000 रुपए कहां से लेंगे हम? और जो लौंडे के दोस्त होते हैं ना वो तो 1 महीने से पी रहे होते हैं, उनमें से एक इतना नशे में होता है वो घोड़ी से ही बात कर रहा होता है, तुम मेरे साथ चलोगी? रानी बना के रखूंगा कसम से, तुम्हारी शक्ल मेरी एक्स की तरह है, बस धोखा मत देना। मैं कह रहा हूँ वो घोड़ी है तो घोड़ी इंसान नहीं होती क्या? वो आगे आ जाते हैं सालियां चिल्ला रही नहीं जीजू 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, जो सबसे शराबी दोस्त होता है वो आगे आ जाता है 1,00,000, भैया 6,000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर।
इसको लेके जाओ, एक तो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, ऊपर से रेट गलत बता रहा है। भाई साहब एकदम सन्नाटे में आ गए, आप ज्यादा दे रहे हो क्या आजकल? उसको लेके जाते हैं पीछे, तो सालियां थोड़ा डाउन हो जाती है कि अच्छी चीजों 50,000 में मान जाते हैं। वो पीछे चिल्ला रहा, भैया मत दीजिएगा 50,000 में, 8 रशियन 8 रशियन, 2,000 आपकी शेरवानी के बच जाएंगे उसमें। कहां से ला रहे हैं यार इतना? और शेरवानी और इतनी कच्ची होती है ना अंदर से, ये जो होती है ना सालियां, भाई साहब एक मिनट में 1,00,000 मांग रही होती है, दूसरे मिनट में 1,100 में हाँ कर देती है, सब डन कर दो डील, पूजा कर रही होती है। भाई साहब मेरे को कोई 1,00,000 का वादा करके उसके बाद मुझे 1,100 पकड़ा दे, मैं उसकी पूजा करूं, उसका मैं शांति पाठ रख दूं भाई साहब, चौथा पांचवा सब कर दूं उसका एक ही साथ, भाई साहब उसको मैं उल्टा करूं, उसकी पीठ नंगी करूं, एक हाथ से हंटर दूसरे डमरू बजाऊं, ऐसे ऐसे करके अगरबत्ती जलाऊं पूरा गुच्छा और जलता हुआ उसकी धुन्नी में ऐसे अड़ा दूं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। इसीलिए सालियां कभी किडनैपर नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती है किडनैपर, क्योंकि ये बच्चा किडनैप करके लाएंगे 1 करोड़ लगेगा, चलो 500 भेज दो कोई बात, हमारे चाट पापड़ी का इंतजाम हो जाएगा, गोलगप्पे मिल जाएंगे हमें। मुझे बहुत ही लगता है यार। और आगे आगे निकलो ना, इस रसम से आगे निकलो तो 4 यमदूत खड़े होते हैं यमराज के आगे, जिनको हम साले कहते हैं, साले कुत्ते भी कह सकते हैं उनको। वो रोक लेते हैं अपने जीजाजी को, जी स्टेज तक आप ऐसे नहीं जाओगे, हम 4 लोग आपको कंधे पे लेके जाएंगे, उसकी फट जाती कंधे पे 4 लोग। मैं सुहागरात के सपने देख रहा हूँ, तुम शमशान घाट के दिखा रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी जरूरत नहीं है। कह रहे नहीं नहीं हमारे जीजू के पैर में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। मैंने कहा कल रात को उनका मुंह नाली से निकाला हमने, इतने शराब पी रखी है, आज सुबह तैयार होने के लिए बोला, अपनी बहन का लहंगा पहन के बैठा हुआ था ये, उसी में बूमरैंग बना रहा था ऐसे ऐसे करके ऐसे। और क्या यार, मैं इसके पास गया, मैंने कहा क्या हो गया भैया तुम्हें से? कह रहा साहिब आलम। मैंने चले यहां से, साहिब आलम क्यों कर रहे हैं हम ऐसी रस्में यार? और क्या होता है ना कि इंडिया में ना, आप देखो मेरे को शादी करना है ना, मैं प्राइवेटली करना चाहता हूँ 2-4 लोगों बस, अंग्रेजों की तरह, क्योंकि यहाँ बराती कभी खुश होकर नहीं जाते, हमेशा ही ना एक आदमी जिसने 50 रुपये सगन डाला होता भाई, वो ऐसे चौड़ा होता है टिक्की के स्टॉल पर, भैया टिक्की करारी कर दो एकदम, हाँ थोड़ी चटनी मीठी बढ़ा देना, थोड़ा दही बढ़ा दो, 2-4 मट्टी तोड़ दो, भैंसे तेरा मुंह तोड़ दे मट्टी की जगह, इतना चौड़ा हो रहा है, झूठी अफवाह फैला रहा होता है कि दुल्हन गमंडी लग रही है, दूल्हे का स्पर्म काउंट कम है, सरबाला चूतिया, सरबाले को क्यों गाली दे रहा है यार, इतनी बुराइयां करता है। पनीर पकौड़े बहुत टाइट है, है? पनीर पकौड़े टाइट होते तो 1-1 किलो खा जाता है, है? अगर थोड़े से सॉफ्ट होते तूने तो नाक से पकौड़े खींच लेने थे, है? बेसन बहुत कच्चा है, तूने शरीर में मलना अपने बेसन, खुद कढ़ाई में उतर जाना मल के। इसीलिए मुझे जो है अंग्रेजों की शादियां पसंद है, वहां सिर्फ 4 लोग आते हैं शादियों में, वहां माँ बाप भी नहीं आते, क्योंकि बाप बेटे की शादी एक ही दिन क्लैश कर रही होती वहां पे, वहां नहीं आते भाई साहब, वहां सिर्फ लड़का लड़की खुद, एक उनका बच्चा जो पहले से हो रखा है और एक कुत्ता होता है साथ में, और वहां भी बड़ा इजी प्रोसेस है, बस चर्च में गए चुम्मी ली शादी हो गई। हमारे यहाँ पे आप लड़कों को नहीं कह सकते चुम्मी लेके शादी करनी है, क्योंकि ऐसे लौंडे इतने भरे हुए बैठे होते हैं ना, ये इतने एक्साइटेड होते हैं कि 6 घंटे बाद सुहाग रहा था, 5-6 चुम्मियां तो ये पंडित की ले लेते हैं कि पंडित जी जल्दी करो मैं गोली खा के बैठो फटाफट करो यार। और एक रसम जो मुझे पसंद है ना बहुत ज्यादा, बहुत पसंद है वो रसम, वो नोट उड़ाने वाली नहीं होती शादियों में, वो बहुत पसंद है मुझे, लूटना बहुत पसंद है। मैं किसी का एहसान नहीं लेता भाई साहब, बाप से पॉकेट मनी नहीं मांगने में बहुत पहले छोड़ दी थी मैंने, हाँ क्योंकि मेरे मोहल्ले में जिस दिन कोई बारात है कुल्फी फलूदा हर्ष गुजराल खरीद के खाएगा, किसी का एहसान नहीं लेना। एक बार तो एक अंकल रोक रहे हैं कि मत उड़ाओ मत उड़ाओ, ये लक्ष्मी होती। मैंने कहा किसी का कुल्फी फलूदा चल रहा है तुम्हें दिक्कत है? कह रहा बेटा देखो लक्ष्मी जमीन पर गिरी। मैंने कहा ध्यान से देखो, एक भी गिरने दिया मैंने? उछल उछल के लूट रहा हूँ, क्या चाहते हो है? लोगों की जेबों से निकालना चालू कर दो। और मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे देख लिया ये करते हुए घर आके, पहली बार मेरे बाप ने मुझे चांटा मारा जिंदगी में। मैंने कहा सॉरी पापा। कह रहे सॉरी क्या सॉरी, पैंचो मेरा हिस्सा तो देता ही नहीं है। उसके बाद से मेरा बाप मुझे हर शादी में ले जाता था, हाँ पीछे बोल देता 800-250 डाल रहा हूँ कवर कर लियो। पैंचो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहा है इसमें यार। एक दिन 2100 डालना था, पूरा परिवार रेडी हो गया, मैं मम्मी पापा तीनों लूट रहे हैं उछल उछल के। उस दिन 300 का नुकसान हो गया, मम्मी को अर्थराइटिस से बेचारी उछल नहीं पा रही थी। एक दिन मैं घर आया पापा स्ट्रेस में, कह रहे बेटा आज कमर कस ले। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा 21,000 डाल रहा हूँ आज। मैंने कहा ज्यादा नहीं है? कह रहा ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6,000 रुपये में तो रशियन आ जाती है। माय नेम इज हर्ष गुजराल, बाय।